तो ये है दुनिया की सबसे छोटी लड़की ओपर यमराज प्रैंक, क्योंकि अब इसे दिखने वाले और इसके साथ दूसरी लड़की इसको यमराज बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्या है। ये इंट्रो है जो गलत काम करते हैं। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। ये काफी दुनिया की सबसे छोटी लड़की है, आपको जाना ही होगा इनके पास। चलो पर नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। यहां पे कोई है वो नाटक करने वाले हैं। रुक कौन कहां ये सोच रही है वो नाटक करने वाले हैं। लड़की है वो उसको बिल्कुल नहीं दिख रही। कौन है अब इसे थोड़ा सा डर लगने लगेगा कि आराम से ये सच है या झूठ के लिए। ये लड़की इसके साथ वाली बनवाना कर देगी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यमराज क्या बोल रहा है? हां काय छोड़ मेरा साथ। कुछ भी बोल रही है। नहीं सच में है यमराज, मैं उनको नहीं दिखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु आई है, मैं उन्हीं को ही दिखता हूं जिनके मृत्यु हुई है। देखो आपके सामने नहीं यमराज है, यहां मेरे को लेने आए हैं। इसको दिख रहा है ऐसा कुछ भी। चल घर जाना है, टाइम हो रहा है, बारिश आ रही है। नहीं मैं नहीं जा सकती हूं। मैं आपको लेने आए हैं। मैंने क्या किया है? मुझे लेने आए हो? किससे बात कर रही थी? कौन लेने आया? ये सब लिखा हुआ है दीदी। यमराज मुझे लेने आया है। यमराज? हाँ यमराज। हाँ यम ऐसा नहीं होता कभी, यमराज लेने आएगा। चलो देखा, क्योंकि मैं उन्हीं को दिखता हूँ जिनकी मृत्यु आती है, और ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, और मेरे को नीचे भेजा गया कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं दिखूंगा किसी को, तुम्हारी मृत्यु आई है इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, उन्हें नहीं दिखूंगा। नहीं मैं नहीं जा सकती। आपको चलना ही होगा मेरे साथ। चल अभी घर चल। यार सोचो ये सब मैं बता, नहीं जा सकते। मिल गया रास्ते में कुछ। चलिए अमेजिंग। अरे यार यमराज है मुझे लेने आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के रखा है उन्होंने, मैं नहीं जा सकती। या मैं उन्हें नहीं दिखेगा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ। जाने दो, छोड़ दूं मैं तुम्हें, अकेले जाऊं? नहीं यम है, मुझे नहीं दिखाई दे रहे कोई यमराज। मेरा खुद मन नहीं कर रहा था मैं ले जाने का, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को ले जाता हूँ जो गलत काम करते हैं। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो फिर मुझे लेने क्यों आए हो? यही तो है, क्योंकि ना तुम कोई धूमपान करती हो, ना कोई मदिरा का वो करती हो, कि मैं तुम्हें किस लिए ले जाऊँ? या मैं बट मैं मजबूर। ये देख मैं खड़ी हूँ, कहाँ यमराज है? देख कहाँ है? या मैं हम तो मैं अब तुम्हें परिचय दे ही देता हूँ, और मैं बता ही देता हूँ कि क्या क्या होगा और क्या क्या है। अभी ये आपको डांट देंगे कि चल तू यहीं रहे और मैं जा रही हूँ, ये तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी, फिर वहाँ से एक औरत आएगी और उसको खून की उल्टी होगी, तो देखना चाहोगे तो चल रही है घर। लो मैं देखो, मैं यहाँ सामने हूँ, यहाँ कोई यम नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल रही है कि नहीं चल रही है? मेरे सामने यमराज बैठे हैं बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है, मैं आप देख सकते हैं कितनी छोटी है। रहेंगे ना अकेले? भयभीत हो गए अब ये सिर्फ मैं सच में ही हम रहा। अच्छा तो बताओ तुम्हारी मृत्यु कब आएगी? हाँ मेरी मृत्यु कब आएगी? इतने भयभीत हो गए कि बोला भी नहीं जा रहा। तो सुनो, तो तुम्हारा जो यंत्र है डर चुकी है, वो अभी बंद है। सच में बंद है? तो अभी आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आप अपना यंत्र को लगाएंगे बिजली में,
और आपको बहुत जोर से झटका लगेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको अब चलना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। आपको चलना ही होगा, सब लिखा चुका है। मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? आपको जाना ही होगा। मेरा खुद मन नहीं कर रहा आपको ले जाने का, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। सही है, आपको जाना ही होगा। तो चलो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक 2 मिनट बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और मैं आपको ले ठीक 2 मिनट। मुझे लाइफ में बहुत सारा कुछ करना है और मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। है हम, तभी तो मैं दुविधा में हूँ। तो चलो, तुम्हारा वक्त कुछ ही क्षण में आने वाला है। कोई आखिरी ख्वाहिश, कुछ मांगना चाहते हो तो मेरे से मांगो। मैं नहीं जाऊंगी, यही मांगना चाहती हूँ। या मैं हम, चलो आपको चलना ही होगा। नहीं जाऊंगी। चलना होगा, ठीक 1 मिनट बाद तुम्हें जाना ही होगा मेरे साथ। चलो, नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, सही है। नहीं, अरे प्रभु, इस तरह से करते हैं यार। आपको जाना ही होगा, नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, अरे प्रभु। लगे भाई अब तो, कुछ तो करो, दया करो। कहाँ भेज दिया मेरे को? मेरे को ऐसे व्यक्ति और ऐसे स्त्री को लेने के लिए मत भेजा करो। क्या दोष है इसका? क्या बोल के जाऊँ? धूमपान करती है। चलो प्लीज, हाँ हम आपसे हाथ जोड़ते, आपको चलना होगा। अरे मुझे नहीं जाना है। जब मेरी मृत्यु आएगी, मैं करंट से जाऊँ या स्मोकिंग करके जाऊँ, तब मैं चली जाऊंगी आपके साथ। मुझे नहीं जाना, आप जाओ। या मैं, मुझे घर जाना है, मेरी दीदी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं जा रही हूँ, बाय। या मैं हम, प्रभु इतनी बेइज्जती, अब देख सकते हो यार, बैठो ना। क्या दोस्त था मालिके? या मैं हम, सुनो, क्या आपको चलना ही होगा, मानो बात को, सब लिखा जुखा। मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर? मैंने अभी तो बोला कि जब मेरी मृत्यु आएगी तब मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाइए। प्रभु मेरे से नहीं होगा, इसका कोई दोष नहीं है, ना ये धूम्रपान करती है, ना मदिरा का कुछ करती है। मैं क्या किस उस पर लेके जाऊं? मेरे से नहीं होगा, मुझे क्षमा करो और इसको मुक्ति दो, जाओ, मुझे माफ करो।